क्लास देखिए, सो प्लीज अब आप सब कॉन्सेंट्रेट करें. हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि क्या स्टेप्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है जिससे हम निकालें. स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री हम देख रहे हैं कि हम कैसे निकालें, कि हम कैसे कैलकुलेट करें मीन डेविएशन को. स्टेप वन क्या है इसका, कैलकुलेट द एवरेज ए अबाउट विच मीन डेविएशन इज टू बी कंप्यूटेड. मैंने आपको जैसे कि बताया कि मीन डेविएशन हम बोलते हैं, बट बेसिकली इट इज एवरेज डेविएशन. एवरेज कोई सी भी हो सकती है, मीन या मीडियन. हम मीन या मीडियन चूज करेंगे और हम क्या निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है अगर, तो मीन या मीडियन जो भी है हम सबसे पहले उसे कंप्यूट करेंगे, वो हमारी एवरेज होगी. क्योंकि हमारे को हर ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है उस पर्टिकुलर मीन या मीडियन से, ये निकालना है ना. तो सबसे पहले वो मीन या मीडियन होना चाहिए हमारे पास. तो सबसे पहले हमने वो मीन या मीडियन निकाला, मतलब वो एवरेज निकाला. सेकेंड पॉइंट वो बोलता है हर ऑब्जर्वेशन उस मीन या मीडियन से कितना दूर है ये निकालिए, तो मतलब डेविएशन निकालिए. ये डेविएशन कैसे निकलती है, वो कहते हैं डेविएशन को हम डी बोलेंगे. और डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए. देखिए क्लास, डी कैसे निकलता है हमारा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. हर ऑब्जर्वेशन में से हम माइनस कर देंगे उस एवरेज को, चाहे वो मीन है या मीडियन है. थर्ड स्टेप में वो बोलता है कि जो भी आपने ये निकाला डी डेविएशंस, ये जो डेविएशंस हैं वो प्लस या माइनस साइन के साथ हो सकता है आई यू, बट आपको इग्नोर करना है प्लस और माइनस साइन. आपको प्लस और माइनस साइन इग्नोर करना है क्लास. आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए इसकी, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, जो भी डेविएशन की वैल्यू आएगी उसके आगे आप मॉड्यूलस लगा देंगे, मतलब प्लस और माइनस साइन नहीं लगाएंगे हम. यहां तक क्लियर है क्लास? आगे की भी स्टेप्स हैं, वो मैं अभी आपको ऊपर लिख रही हूं, मेरे पास स्पेस नहीं थी. तो बोर्ड के ऊपर हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेप फोर और स्टेप फाइव. लिखिएगा मेरे साथ क्या कह रहे हैं क्लास. ये मैंने आपको बताया कि जब हमें मीन डेविएशन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हमें डेविएशन निकालना किससे है, मीन से या मीडियन से. जिससे भी निकालना है, मीन या मीडियन को निकाल लो, मतलब एवरेज निकाल लो. सेकेंड स्टेप में हर ऑब्जर्वेशन को, मतलब मान लो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये ऑब्जर्वेशन गिवन है. अब हमारे को वो एवरेज जो निकालना था फर्स्ट स्टेप में, वो हमने मीन निकाल लिया, उसका मीन आया 10. तो हर ऑब्जर्वेशन का हमें डेविएशन निकालना है कि मीन 10 है और ये ऑब्जर्वेशन है 6, 7, 8, 9, 10, ये कितना दूर है मीन से. मतलब ये हमारी एक्स है और ये हमारा मीन है. मीन को हम ए लिख रहे हैं. एक्स और ए में कितना गैप है, ये डेविएशन हम यहाँ पे निकालेंगे. उसका फॉर्मूला आपको बता दिया. थर्ड स्टेप आपको बता दिया कि जो भी निकल कर आए, एक्स माइनस ए, जैसे यहाँ पे माइनस फोर निकल के आ रहा था, तो माइनस फोर को माइनस फोर नहीं लिखना, फोर लिखना है, क्योंकि हम मॉड्यूलस में लेंगे माइनस फोर को, फोर लिखना है. तो ये सारे हमने लिख लिए. फिर जब हमारे ये तीनों स्टेप्स हो गए, तो हम जितने भी इनके सबके डेविएशन आए थे, जैसे इसका आया था 3, 7, 10 से 3 कदम दूर है, ये 4 कदम, ऐसे करके जितने भी आए, इन सारी डेविएशंस को हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, वो हमारा स्टेप 4 हो जाएगा. एंड स्टेप 5 होगा, जो जितनी भी डेविएशंस, टोटल डेविएशन जितनी भी आई हैं, उसको डिवाइड कर दो जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे. जैसे हमारे क्वेश्चन एग्जांपल में जो मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, जैसे मैंने उसमें कहा था डाटा हम 6 से लेना शुरू कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हमारी 9 ऑब्जर्वेशंस थी, तो हम उसको 9 से डिवाइड कर देंगे. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन डेविएशन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. क्लास अभी हमने जो प्रोसीजर पढ़ा था पूरे 5 स्टेप का, कि कैसे हम मीन डेविएशन निकालते हैं, वो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन अगर गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन. बट अब हमें पढ़ना है डिस्क्रीट सीरीज. देखिए क्लास, मैंने हमेशा से आपको बोला हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना, उसमें हम 3 कैटेगरीज में उस टॉपिक को जरूर डिवाइड करते हैं. क्या होती हैं 3 कैटेगरीज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, दूसरा कौन सा होता है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज. पहला जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है उसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन होती, बस ऐसे सिर्फ नंबर गिवन होते हैं, जैसे 5, 7, 9, 11 इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हो गई. डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, ये नंबर्स तो गिवन होते ही हैं जिनको हम एक्स बोलते हैं, उसके अलावा फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं, तब ये बन जाती है डिस्क्रीट सीरीज. और कॉन्टिन्यूस कौन सी होती है, जिसमें इंटरवल आ जाते हैं, जिसमें एक्स नहीं गिवन होगा,
एक्स के जगह आपको इंटरवल्स गिवन होंगे 0 to 10, 10 to 20 फॉर एग्जाम्पल दिस वे. तो अब हमारे इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको फ्रिक्वेंसीज गिवन है, तो आप समझ जाइए कि डिस्क्रीट सीरीज का है. डिस्क्रीट सीरीज का है तो उसके अंदर हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होगा समिशन एफ इनटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू. इसको क्या कह सकते हैं ऐसा, इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये है, बट क्या इस फॉर्मूले को ये भी कह सकते हैं, राइट? एक्स माइनस ए क्या है, ए हमारा एवरेज था, कोई सा भी एवरेज, मीन या मीडियन जो भी निकालेंगे, उससे हर ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, डेविएशन, ये डेविएशन बता रहा है, तो इसीलिए इसको हम डेविएशन को डी बोल देते हैं. एज इट इज मॉडुलस इनटू फ्रीक्वेंसी टोटल कॉलम का समिशन किया डिवाइडेड बाय एन. एन क्या होगा यहाँ पे, जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वाला केस पढ़ रहे थे तो एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था, बट इस केस में एन क्या होगा, समिशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. डिटेल में करते हैं अब इसे, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया. देखिए क्लास, अब मैंने डिस्क्रीट सीरीज के स्टेप्स लिखे हैं. फॉर्मूला से वैसे वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था ये पार्ट, कि फॉर्मूला में कुछ चेंज आया था. जब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का फॉर्मूला था उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी, इस वाले फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी होती थी. तो क्या है, कैसे निकालना है, पहले कुछ स्टेप्स तो एज इट इज सेम है. फर्स्ट थ्री स्टेप्स जो आपने इससे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मैंने जो आपको स्टेप्स लिखवाए थे, फर्स्ट थ्री स्टेप्स बिल्कुल सेम है. सबसे पहले हमें बेसिक हमारा क्या पर्पस है, मीन डेविएशन निकालना है. मतलब हर ऑब्जर्वेशन मीन या मीडियन, ये मीन भी हो सकता है और ये मीडियन भी हो सकता है. आई से ये एवरेज है, एवरेज मीन भी हो सकता है या मीडियन भी हो सकता है. आपके क्वेश्चन में एक चीज आपको निकालनी है और ये निकालना आपका स्टेप वन है, क्योंकि हमारे को क्या करना है, एवरेज डेविएशन निकालना है. मतलब हर वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना दूर है मीन या मीडियन से, ये हमें निकालना है. तो सबसे पहले तो हमारे को यही निकालना है, तो हमने सबसे पहले ये निकाल दिया, कैलकुलेट मीन और मीडियन, दैट इज द एवरेज. सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहते हैं एक्स माइनस ए निकालो. मतलब टेक डेविएशंस, फाइंड डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डेविएशंस को डी बोलेंगे. स्टेप थ्री क्या कह रहे हैं, जो आपने डेविएशंस निकाली उनमें प्लस माइनस साइन हटा दो, पहले भी पढ़ा था ये, मॉडुलस जी बोलो इसे. फिर स्टेप फोर, अभी ये स्टेप फोर बोल रहा है हर ऑब्जर्वेशन के लिए डेविएशन आई है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको बोला था, अगर मीन, मैंने एग्जाम्पल बोला था आपको, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मीन ये है, एक्स कितना हमारे मीन ए से, ये ए है हमारा 10, एक्स और ए के बीच में कितना गैप है, एक्स माइनस ए कितना होगा, 6 - 10 -4 होगा, बट हमें -4 नहीं लिखना, 4 लिखना है. फिर 7 - 10 -3 होगा, जिसको हम -3 ना लिख के 3 लिखेंगे. फिर 8 - 10 -2 होगा, जिसे हम 2 लिखेंगे. ऐसे कर करके ये हमारी डेविएशंस आ रही हैं, डी आ रहा है. इस जी को हम लास्ट में कॉलम में सबको जोड़ देंगे तो वो सबमिशन आ जाएगा, सबमिशन ऑफ डी. तो बस यही हमने वो सबमिशन डी निकाल लिया. दूसरी बात, हर इंडिविजुअल डी को, इस इंडिविजुअल डी को एसोसिएटेड जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है, उन हर एक से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एफ डी आ जाएगा. तो ये क्या बोलता है, स्टेप फोर पढ़िए, मल्टीप्लाई ईच एब्सोल्यूट डेविएशन, हर एब्सोल्यूट डेविएशन को मल्टीप्लाई करें, किससे, बाय कॉरेस्पोंडेंस फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पोंडिंग जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो उससे मल्टीप्लाई करते चले जाएं डेविएशन को, टू गेट एफ. क्या निकालना है हमारे को अल्टीमेटली, फ्रीक्वेंसी इनटू मॉडुलस ऑफ डी डेविएशन का. जब ये निकल जाए तो इस वाले कॉलम को, अब नेक्स्ट स्टेप 5 में ही कह रहे हैं,
उस कॉलम को ऐड कर दीजिए सारा, जो यहाँ पे कॉलम बनेगा एफ मॉड्यूलस जी का, उस पूरे कॉलम को लास्ट में जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा स्टेप फाइव। स्टेप सिक्स क्या बोलता है, डिवाइड द सम ऑब्टेन इन स्टेप फाइव। जो हमारा ये सम आया, इस वैल्यू को आप डिवाइड कर दीजिए एन से, इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए एन से। एन क्या था हमारा, टोटल ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज, मतलब एन लिखो या सबमिशन फ्रिक्वेंसी लिखो, एक ही बात है, इसको डिवाइड कर दीजिए टू गेट क्या मिल जाएगा अब हमारे को, मीन डेविएशन। आई होप क्लास आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द लिटिल टाइम आई गॉट, कि आपको समझ आया हो कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन। क्लास ध्यान से देखिए बोर्ड को, मीन डेविएशन के अंदर केस थ्री कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें इंटरवल्स की बात करते हैं, 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है। तो अब मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, समिशन एफ इनटू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, समिशन एफ इनटू मॉडुलस ऑफ डेविएशन अपॉन एन। मतलब यू नीड नॉट रिमेंबर दिस, यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस, दिस इज द फॉर्मूला। बट आपके माइंड में क्लिक करेगा कि मैम अभी तो डिस्क्रीट सीरीज का भी आपने यही फॉर्मूला बताया था, तो क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली क्लास, कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्टिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला में, मीन डेविएशन के केस में फॉर्मूला वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली सेम है। क्या डिफरेंस आएगा बस आपके पास, वो ये कि जब भी हमारे क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जहाँ पे कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है, वहां पे हमारा एक्स डिफाइंड ही नहीं होता, क्योंकि इंटरवल गिवन होते हैं सिर्फ 0 से 10, 10 से 20 या सो ऑन। तो एक्स हमें निकालना होता है, कैसे निकालना होता है, जो हमारे इंटरवल्स गिवन होते हैं, देखिए बोर्ड पे, जो हमारे इंटरवल्स गिवन होते हैं, उन इंटरवल्स का जो मिडिल वैल्यू होती है, जैसे 0 और 10 की मिडिल वैल्यू 5 है, 10 और 20 की 15 है, 20 और 30 की 25 है, जो ये मिडिल वैल्यू होती है, ये हमारा x आ जाता है। x निकालना, बस x निकालना इज द ट्रिक, अदरवाइज फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है डिस्क्रीट वाला। गॉट इट क्लास, यू आर गोइंग फर्दर नाउ। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्लास कि कोफिशियंट बताओ मीन डेविएशन का। अभी हमने मीन डेविएशन निकालना तो सीख लिया, बट अब उसको कोफिशियंट भी जानना है, कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। हम ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले जो मीन डेविएशन निकाली होती है, उसको न्यूमरेटर में डाल देते हैं एज इट इज वैल्यू को। तो क्या लिख दिया हमने, मीन डेविएशन इन ब्रैकेट्स एम डॉट डी, मीन डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे लिख दी न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या होगा क्लास, डिनोमिनेटर होगा एवरेज अबाउट विच इट इज कैलकुलेटेड। मैंने आपको बताया था कि मीन डेविएशन तो हम ऐसे बोल देते हैं, है तो ये एवरेज डेविएशन, और जो एवरेज डेविएशन है, एवरेज या तो मीन यूज हुआ हो सकता है एवरेज के फॉर्म में या मीडियन। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में या तो मीन आएगा या मीडियन आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने वो एवरेज कौन सी कैलकुलेट करी है। लिख रही हूं ये बात, आपको याद रहे इसलिए यहाँ पे नोट डाउन करो। सो क्लास, कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर वो मीन के अराउंड निकाला गया है, तो डिनोमिनेटर में मीन आ जाएगा, वो एवरेज कौन सी हो गई फिर, मीन। बट ऊपर तो न्यूमरेटर में तो मीन डेविएशन ही रहेगा। बट अगर कोफिशियंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने को बोला है, बट मीडियन था केस में, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे, मीन डेविएशन ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन मीडियन। तो मतलब न्यूमरेटर तो हमारा हमेशा मीन डेविएशन रहा, डिनोमिनेटर या तो मीन होगा या मीडियन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने जो डेविएशंस निकाली हैं वो मीन के अगेंस्ट निकाली है या मीडियन से। सो दिस और दिस, दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला डिपेंड्स एज द केस में भी। क्लास पढ़िए, क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मीन डेविएशन। अभी तक तो हम सिर्फ स्टेप्स पढ़ते हुए आ रहे थे, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं इसका,
क्योंकि मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बिना हमारे को थियोरेटिकली स्टैट समझ नहीं आ सकता. कैलकुलेट दी मीन डेविएशन अबाउट, किसके अबाउट हमारे को कैलकुलेट करनी है? मीन. सर्कल दिस मीन के अराउंड. तो मतलब हमारे को सबसे पहले तो मीन निकालना है. फॉर फॉलोइंग डाटा क्या क्या गिवन है आपको? एक्स गिवन है, फ्रिक्वेंसीज गिवन है. प्लीज मुझे सोच के बताइए, आप नहीं बता सकते, आप सोचिए कि क्या होना चाहिए. डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है? देख के ही पता चल रहा है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है. डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था, रिकॉल करिए. और अब हम स्टेप बाय स्टेप वही सब करेंगे. सबसे पहले हम मीन निकालेंगे. और मैं यहाँ पे और कॉलम्स ड्रॉ कर रही हूँ, देखते जाइए प्लीज, और साथ साथ नोट डाउन करिए. सो क्लास, फाइनली हम इतनी देर से मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं, बट फाइनली हमने सॉल्व किया है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. मीन डेविएशन निकालना था किससे? मीन से. और क्या गिवन था? सिर्फ एक्स और एफ के कॉलम्स. मैंने आपसे कहा था हमारा स्टेप वन ये है कि हम मीन निकालेंगे. मीन निकालने के मैंने, अरिथमेटिक मीन एंड मीन आर द सेम थिंग्स, मीन निकालने के मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मुलेज बताए थे लास्ट वीडियो में, कल बताए थे आपको. और वो जो फॉर्मुलेज थे उनमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज पे जिसमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है क्या लगेगा, वो लगेगा सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ. ऐसे हम मीन निकालेंगे. तो हमने सबमिशन एफ एक्स अपॉन सबमिशन एफ हमारे को लगाना है. उसके लिए हमारे को एफ एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉलम बनना चाहिए एफ एक्स का. इसलिए हमने एक एफ एक्स का कॉलम बनाया. एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स. तो हमने हर फ्रिक्वेंसी को हर एक्स से मल्टीप्लाई करते चले गए. 10 × 3 = 30, 11 × 12 = 132. ऐसे करके हमारे पास वैल्यूज आ गई. फिर उन सारी वैल्यूज एफ एक्स का जो कॉलम है नीचे ध्यान से देखिएगा, सबमिशन किया 576 आया. ठीक है, हम एफ एक्स हमारे पास आ गया. फ्रिक्वेंसी जो थी वो सारी गिवन थी, उनका भी टोटल कर लिया फ्रिक्वेंसीज का, वो हमारा 48 आ रहा है, वो भी आ गया. मीन इज इक्वल टू समिशन एफ एक्स अपॉन समिशन एफ. देख पा रहे हैं आप सब? तो डिवाइड करके आया 12, हमारा मीन आ गया. सबसे पहले हमने मीन निकाला, हमारा मीन आ गया. अब हमारे को एज वी सेड हमारे को डिविएशन निकालनी है. डिविएशन कैसी? हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन एक्स की मीन से कितनी डेविएशन है. तो मीन तो हमारा 12 आया, 12 से ये ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है? 10. 12 से कितना दूर है? 2 कदम. 12 से 11 कितना दूर है? 1 कदम. तो जितना ये आया वो हमें यहां लिखना है. तो एक्स माइनस मीन जिसको हम डेविएशन कहते हैं वो हमने यहां लिखना शुरू कर दिया. कैसे निकाला हमने? x माइनस मीन. मीन हमारा कितना आया था? 12 आया था. x क्या है यहाँ पे? 10 है. तो 10 माइनस 12 माइनस 2 आ गया. फिर हम 11 माइनस 12 करेंगे तो माइनस 1 आ गया, एंड सो ऑन. हमारी ये डेविएशंस आ रही हैं क्लास. d आ रहा है हमारा, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस साइंस भी हैं. हमारे कोई भी साइन नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मॉड्यूलस ले लेंगे. जैसा कि हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि मॉड्यूलस लेने के बाद ही हमको साइन नहीं लेने होते, तो हमने साइन हटा दिए, एज इट इज कॉलम बना के लिख दिया. नेक्स्ट कॉलम देखिए, एफ इनटू मॉड्यूलस ऑफ डी. मतलब एज इट इज हर वैल्यू को इस कॉलम की, ध्यान दीजिए, इस कॉलम की हर वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम की हर वैल्यू से. दिस इंटू दिस, 3 × 2 = 12 × 1. तो देखिए 3 × 2 = 6, मतलब f into modulus g आ गया. अगेन देखिए 12 × modulus g की वैल्यू 1, f into modulus g 12 आ गया. 18 × 0 = 0. सो दिस वे वी गेट दिस कॉलम. इस कॉलम का टोटल करेंगे, सबमिशन f
मॉडुलस जी लेने के लिए इसका टोटल करेंगे, 36 आ रहा है। हमने यहाँ तक सब कुछ सॉल्व कर लिया, आगे अब हमारे को सिर्फ फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज। क्या है फॉर्मूला क्लास, देखिए ध्यान से। मीन तो निकाल चुके थे, अब है मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या फॉर्मूला है, सबमिशन एफ मॉडुलस जी अपॉन एन। ये जो था अभी हमारा निकल के आया 36, लास्ट कॉलम का टोटल लिख दिया। एन क्या था, सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं, राइट क्लास। तो वो हमने 48 वैल्यू डाल दी। क्या निकल के आया आंसर, 0.75। फाइनली वी हैव फाउंड आउट द मीन डेविएशन विच इज वैल्यू क्या है, 0.75। यहां तक का आई होप आपको समझ आया है कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। अब क्लास इसके बाद जो टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब हमारे को वेरिएंस, ये सब हमें पढ़ना है। बट सिंस आई एम सीइंग द टाइम और टाइम काफी अबव हो चुका है, तो इसलिए आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। वी मीट अगेन सून, यू वुड बी नोटिफाइड अबाउट द सेम। कीप चेकिंग टाइम्स, आपको सारे नोटिफाई होंगे टाइम टू टाइम कि कब किस टाइम पे आपकी इस सब्जेक्ट की क्लास है। All of you, please make sure to attend this class. I would try कि next class से आपकी PPTs पे class हो और आपको ये concepts ज़्यादा जल्दी जल्दी हम cover करा पाएँ। All the best. Keep studying. Thank you, class.